program to be launched here. What our projects mainly is the blood bank. We have 9 blood banks across Pakistan. 5 are in Karachi, one is in Thatta, one is in DHQ Skardu. Then we have our blood bank in Multan, and now we are opening here in Jacobabad. We have 4 operational thalassemia centers working. We are inaugurating in Jacobabad today in Civil Hospital. I would like to just highlight briefly what the services we are providing to thalassemia patients. We are providing free of cost medication and thalassemia care to the thalassemia patients in Karachi and again in Jacobabad definitely. We are actually dealing with the supportive care management. For that, we will provide safe blood to the patients. We will monitor them for their complications and other managemental issues. And we will provide free medical consultation to their families so that they may be coming to us with definitely. And we would like to manage the thalassemia by extending the preventive measures for it. You all might know कि thalassemia एक ऐसी disease है जो कि हमारे parents के offsprings में आती है, हमारे बच्चों में आती है. तो हमारा जो सबसे important एक challenge है वो ये है कि हमें अपनी population के अंदर awareness create करनी है. thalassemia major की birth is cannot be possible कि अगर दो thalassemia minor शादी ना करें. तो हमारे जो सबसे बड़ा एक प्रोजेक्शन है वो ये है कि हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि काइंडली हम सब जो है वो अपना अपना टेस्ट कराएं, अपने जो फैमिलीज हैं उनको एक्सटेंड करें, उनको लेके आएं. थैलेसीमिया की जो प्रिवेंशन है इट इज़ पॉसिबल और ये सक्सेसफुल है टू वेरी लार्ज एरियाज जहाँ पे जिन कंट्रीज में ये इनहेरिटेड था जैसे ग्रीस है, इटली है, ईरान है. तो वाई नॉट वी कैन ऑल्सो डू इट वेरी वेल. तो हमारा जो प्रोग्राम कराची में चल रहा था हम उसको यहीं एक्सटेंड करेंगे और हम यहाँ पे थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे डॉक्टर गुलाम दलानी के साथ. और अभी हमारा डिस्कशन हवाले से भी हुआ था कि जो ट्रीटमेंट जो है वो कराची में बहुत सारे लोग मोबिलाइज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर शायद फैसिलिटीज़ बेहतर हैं. तो हम वही सारी फैसिलिटीज़ हम चाहेंगे कि हम यहाँ इंस्टॉल करें. इसीलिए हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर यहाँ बनाया है. और वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद अदर फैसिलिटीज़ विद इन द सिटी टू ताकि वो भी हमारे पास आए. सेकेंडली मैं ये भी ऑफर करना चाहूँगी कि कराची में भी हम प्रीनेटल डायग्नोसिस पे काम कर रहे हैं कि जो फैमिलीज एग्जिस्टिंग हैं ये ऑलरेडी मैरिड एंड दे हैव अ चाइल्ड ऑफ थैलेसीमिया मेजर वो ऑप्ट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 वीक्स पे वो अपना टेस्ट करवा सकते हैं. तो उसकी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी जो कि मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताना. दूसरा मोहम्मदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर ये है कि हम एक इंस्टीट्यूट बनाया है कराची में अभी फ़िलहाल. हो सकता है कि हम कोशिश ही करेंगे कि हम इसे जैकबाबाद तक एक्सटेंड करें. उसमें हमने अपने नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स इन सबको रैशनल यूज़ ऑफ ब्लड बता रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को ब्लड का रैशनल यूज़ नहीं पता कि वेयर इट इज़ इंडिकेटेड वेयर इट इज़ नॉट इंडिकेटेड. तो हमारी एक अवेयरनेस कैंपेन ये भी चल रही है कि एक तो हम थैलेसीमिया की प्रिवेंशन पे काम करें, हम ब्लड की रैशनल यूज़ को फैसिलिटेट करें, हम वॉलंटरी डोनेशंस को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटरी डोनेशंस आएंगे. तो एक तो उसमें इन्फेक्टिविटी रेट के चांसेस कम होते हैं, दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आपकी अपनी हेल्थ भी उसमें बेहतर होती है. तो उसमें भी हमारी अवेयरनेस कैंपेन थी और डेफिनेटली वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज देम हियर टू. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी. बाकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ 100% हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे टू द थैलेसीमिया पेशेंट जैसे हम कराची में दे रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग और कॉम्प्लिकेशंस को हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से. बाकी आप लोगों से सबसे बहुत गुजारिश ये है कि हमारा मेरे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान जो प्रीवियसली एग्जीक्यूटिव मेडिकल डायरेक्टर थे उनका भी यही विजन था कि हमें थैलेसीमिया के जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं डायबिटीज वी कैन नॉट लीव इट एज इट इज़. लेकिन हमारा जो गोल है टू विच इज़ अचीवेबल जो कि इंडिकेटेड है इन वेरियस कंट्रीज़
कि ये अचीवेबल चीज़ है कि हम इसकी प्रिवेंशन पे काम करें। तो इसके ऊपर मैं आप सबका जो भी रोल पॉसिबल है वो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करें। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, ऑल द गेस्ट, ऑल द पर्सनैलिटीज विच आर हेयर। आप लोगों ने अपना टाइम निकाला एंड यू हैव गिवन अस दैट अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर सर्विसेज हियर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर मीसा। मेरे चीफ गेस्ट मीर एजाज हुसैन जाकरानी साहब की तरफ से 2 बजे मुझे फ़ोन आया था कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से मैंने सर से मदद की। मुझे अभी भी सर के जो प्रोग्राम और हैं अंदाज़ा है उस रुपयात का, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा सर आज यहाँ पर आपको हमें बहुत दिक्कत। मैं प्रोफेसर हसन अब्बास जहीर एडवाइज़र WHO सेफ ब्लड से गुजारिश करूँगा, सेफ ब्लड सर्विसेज बाय मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मदी फाउंडेशन का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरवकार तकरीब में मदु किया है और अब सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। पहली बार मौका मिला है जैकबाबाद आने का, इसलिए बहुत खुशी महसूस हो रही है और ख़ास तौर से जाकरानी साहब से 10 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई इसकी और भी ज़्यादा खुशी है। जाकरानी साहब हमारे वज़ीर सेहत हुआ करते थे इस्लामाबाद में और मुझे सआदत हासिल हुई थी कि इनके साथ काम करने का, मैं उस वक्त इस एड प्रोग्राम का मैनेजर हुआ करता था और आपने काफ़ी अच्छा काम किया था, सरकार भी करते रहे थे। तो आज का दिन यकीनन एक तारीखी दिन है कि जैकबाबाद में एक बहुत ही अच्छा मियारी ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर बनाया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम जो है ये मोहम्मदी फाउंडेशन को सौंपा गया है, क्योंकि मोहम्मदी फाउंडेशन बहुत ही रेपूटेबल नाम है पाकिस्तान में ब्लड बैंकिंग और थैलेसीमिया मैनेजमेंट के सेक्टर में। पिछले दिनों इनका कराची का जो हेड ऑफिस है अपने थैलेसीमिया सेंटर ब्लड बैंक के, वहाँ जाने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा मॉडर्न सेंटर है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ब्लड बैंकिंग की भी और थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनकी भी देखभाल की बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि जैकबाबाद के भी थैलेसीमिया सेंटर में वही मेयार जो है वो कायम किया जाएगा और यहाँ के मरीज़ों को जो कि बहुत निगलेक्ट हो रहे थे, बीच में जो इंटरप्शन आ गई थी सर्विसेज से, वो जो गैप था वो अब पूरा हो जाएगा और दोबारा यहाँ पे थैलेसीमिया के मरीज़ों को शहर में ही अपने इलाज मुआवजे की सहूलियात मिल जाएंगी और उन्हें दूर के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। थैलेसीमिया जो है, जैसा कि बाकी मुकर्ररीन ने भी कहा, एक मौरूसी बीमारी है, खून की मौरूसी बीमारी है, ये एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये प्रिवेंट नहीं हो रहा है, बाकी दुनिया में हो रहा है। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे थैलेसीमिया का बर्डन पाकिस्तान से ज़्यादा था, उन्होंने कामयाबी से थैलेसीमिया को कंट्रोल कर लिया है, मैनेज कर लिया है और अब वहाँ पे कई कई सालों से थैलेसीमिया के मरीज़ों की नई पैदाइश नहीं हुई है। ईरान में कोई मरीज़ नहीं पैदा हो रहा है, टर्की में कोई नहीं हो रहा है, ग्रीस में कोई नहीं हो रहा है, इटली में कोई नहीं हो रहा है, साइप्रस में कोई नहीं हो रहा है। तो इन सारे मुल्कों में नहीं हो रहे तो यहाँ पे क्यों हो रहे हैं और मज़ीद ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं? तो ये एक बहुत ही संजीदा सूरत हाल है और इसका जो नतीजा है वो ये है कि जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ी परेशानी और बोझ तो है ही, मगर उसके अलावा सेहत के निज़ाम में भी ये बहुत बड़ा बोझ है और ब्लड बैंकिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। हर मुल्क में थैलेसीमिया की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में जो साइंटिफिक रिसर्च से ये बात सामने आई है वो ये है कि थैलेसीमिया की जीन पाकिस्तान में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि यकसा तौर पे पूरे आबादी 22 करोड़ में नहीं है। ये जो जीन है ये मखसूस फैमिलीज़ में, बरादरीज़ में और कम्यूनिटीज़ में है, जैसे सरवर साहब ने कहा कि इनकी कम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा थी, इसी तरह से और भी कम्युनिटीज़ में हैं और फैमिलीज़ में हैं। और ये सारे जो
अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं ये हमसे एक्सेसिबल हैं, और वो इस वजह से हैं कि उनके मरीज़ जो हैं वो महीने में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर हमारे मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर्स में आते हैं अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, प्रिवेंट करने की ज़रूरत है इस मर्ज को। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी इलाज है उतना ही ज़रूरी प्रिवेंशन है, क्योंकि उन्हीं फैमिलीज़ में मजीद मरीज़ पैदा होंगे अगर हमने प्रिवेंशन नहीं किया। प्रिवेंशन करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आपके पास मरीज़ आएँ अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो उनके जो साथ जो आते हैं फैमिली मेम्बर्स उनकी स्क्रीनिंग शुरू करें, जेनेटिक काउंसलिंग दें, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी एक्सटेंडेड फैमिली की स्क्रीनिंग करें, जो थैलेसीमिया माइनर डिटेक्ट हो उनको काउंसलिंग करें, और इस तरह से इसकी रोकथाम हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे क्रोनिक सीवीएस सैम्पलिंग की भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जेनेटिक काउंसलिंग की भी हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की भी हैं, ये सब चीज़ें एक थैलेसीमिया सेंटर में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छी ब्लड बैंकिंग के साथ साथ इन मरीज़ों को सिर्फ ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, जनरली ख्याल ये है कि इनको अगर हर महीने ब्लड लग जाए तो ये इनका मसला हल हो जाता है। ये पहला इनका मसला है कि ब्लड लगे, और म्यारी ब्लड लगे और टाइम पे लगे, और उसके साथ साथ इनको क्लेशन थेरेपी की भी ज़रूरत है। क्लेशन की बहुत सारे तरह की दवाइयाँ आती हैं, कुछ म्यारी हैं गैर म्यारी हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इनको म्यारी क्लेशन मेडिसिन मुहैया की जाए। उसके बाद इन मरीज़ों को क्योंकि बार बार ब्लड लगता है इसलिए इनको रिएक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लिहाजा इन मरीज़ों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन ल्यूकोफिल्टर्स के ज़रिए दिया जाना चाहिए। ख़ासतौर से जिनमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं उनको ज़रूर ल्यूकोफिल्टर यूज़ करना चाहिए, उससे उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी और इंटरवल जो है ट्रांसफ्यूजन के दौरान उसका दौरानिया भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो ब्लड बैंकिंग है उसमें स्क्रीनिंग आला मियार की होनी चाहिए, ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग होनी चाहिए जैसे यहाँ पे है और कुछ और सेंटर्स में भी है। कोशिश होनी चाहिए कि थैलेसीमिया सेंटर्स आपस में बाहमी तआवुन से जॉइन हैंड्स करें और कोशिश करें कि नेट स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस कराएं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। कई जगहों पे पाकिस्तान में अब नेट स्क्रीनिंग हो रही है और काफ़ी अफोर्डेबल भी हो गई है। थैलेसीमिया के मरीज़ों का भी हक बनता है कि उनको भी नेट स्क्रीन्ड ब्लड जो है वो मिला जाए। इसके साथ साथ क्रॉस मैचिंग जो होती है वो मखसूस ज़रूरियात हैं थैलेसीमिया के मरीज़ों की, तो मेजर ग्रुप्स के साथ साथ माइनर ग्रुप्स की भी मैचिंग ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जैसे जैसे मरीज़ों की उम्र बढ़ती है उनको और भी उनकी ज़रूरियात बढ़ती हैं और उनको मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत पड़ती है। आज से कुछ अर्सा पहले तक 10-20 साल पहले तक थैलेसीमिया को एक चाइल्डहुड फेटल डिज़ीज़ समझा जाता था कि यदि ये बच्चे जिन बच्चों को ये बीमारी है वो बहुत जल्दी उनके टीन एज में ही मौत वाक़ हो जाएगी, मगर साइंस ने बहुत तरक्की की है और अब इस डिज़ीज़ को चाइल्डहुड फेटल डिज़ीज़ नहीं तसव्वुर किया जाता, इसको क्रॉनिक डिसऑर्डर रिक्वायरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी केयर के तौर पे तसव्वुर किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको ये सब बीमारियाँ होंगी मगर इसका इलाज अच्छी तरह से आप कर रहे हों तो आप एक नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजार सकते हैं। बाकी मुल्कों में थैलेसीमिया के मरीज इसी तरह से नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजार रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहे हैं। हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि मोहम्मदी फाउंडेशन की तरह के म्यारी जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनको प्रमोट करें ताकि हमारे यहाँ भी थैलेसीमिया के मर्ज़ की ना सिर्फ रोकथाम हो बल्कि इन मरीज़ों की जो ट्रीटमेंट है और मैनेजमेंट है वो भी आला मियार की हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर हसन अब्बास जाहिर साहब। ब्लड बैंक में एक बहुत मतलब एक ऐसी जॉब है जो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है कि हमें एक एक ब्लड हम जब इशू कर रहे होते हैं तो सामने हमारे फैमिली मेम्बर माँ बाप हमारी औलादें होती हैं कि खुदा ना खास्ता हमसे कोई गलती ना हो। उसके अलावा दूसरी एक शक्ति जिससे मैं बहुत डरता हूँ
और वो मेरी बहन फिल्म ब्लड ट्रांसफर अथॉरिटी की डायरेक्टर डॉक्टर जवाहर जानू साहब हैं। मैं मोहम्मदी ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर के हवाले से इनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, खसूस जैकोबाद के हवाले से जो बात हुई। तो आज जो ये प्रोग्राम की ओपनिंग होने जा रही है, ये इसमें इनका बड़ा क्रेडिट है। मतलब लंबे लंबे वॉइस मैसेजेस करता था और ये उसका उसी तरह से जवाब देती थी। मैं गुजारिश करूँगा डायरेक्टर सिंह डायरेक्टर डॉक्टर धुरीनाथ जमाल का। थैंक यू सो मच मैम जी। छो तो मां हिन ही तरह जी आया, सिंधी जी न्याणी आया, तो मां चाहिंदम तो मां सिंधी में ही तां सभी के मुखातिब थिया। थैंक यू। स्टेज पे बैठल तमाम मोहतरम मेहमान है, उन्हें सा गद गद उन्हें का भी वधिक मोहतरम तां सबई जेको टाइम कढ़ी है हिन हितरे सुठे जेको स्पेशल मौको आ जैकबाद जे शहरिन जे लाए, स्पेशली थैलेसीमिया जा जेके बारड़ा आए जेके पेशेंट्स आहेन उन्हें जी फैमिलीज से लाए, ही तमाम वडो डींहं आहे। छो तो विच में एकड़ो कुछ गैप अची वयो हुयो, जें के शुरू में सरवर साहब बुधायो थैलेसीमिया सेंटर हिते हुयो विथ कोलैबोरेशन ऑफ एन एनजीओ प्लस गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जितां सर्विसिस हिते ॾिनियूं वेंदियूं हुयूं वार्डन के, पर ड्यू टू सर्टन रीज़न्स कुझु एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हुया जेके गैप्स ईंदा हुया ऐं हो पंहिंजूं सर्विसिस हिते न ॾेई सघिया। उन विच में द रीज़न जंहिं ते मां तमामु घणो सीरियस थियसि ऐं मोहम्मदी वारनि खे बि मां रिक्वेस्ट कई, दैट वॉस अभी मेहदी आपको बता रहे थे मेरे एक वॉइस नोट का, अॼु पोयां वारा सभु ॿुधी सघनि था मूंखे? त जीअं मां चवां थी त मूंखे हिकिड़े ॾींहुं राति जो हिकिड़ो वॉइस नोट आयो मुंहिंजे व्हाट्सएप ते, एंड दैट वॉइस नोट वॉज ऑफ अ मदर ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट्स ऑफ जैकोबाद, ऐं उहा रोई रोई मूंखे इहो ॿुधाए पई त हाणे हिते थैलेसीमिया सेंटर बंदि थी वियो आहे, मुंहिंजी ॿारड़ी जो छा थींदो, उनजो इलाज कीअं मुमकिन थींदो, मूंखे ख़बर पई आहे की तव्हां हिनखे ॾिसो था, तव्हां मुंहिंजे लाइ कुझु कयो। दैट वॉज द डे जंहिं ॾींहुं ॿिए ॾींहुं सुबुह सवेर उथी ऐं मां उतां बाय रोड हिते आयमि, अदा कादरी हिते डिप्टी कमिश्नर हुया, ऑन द वे मां उन्हनि खे चयो त तव्हां प्लीज़ जेके बि कंसर्न हिते आहिनि उन्हनि खे सॼो त वेही हिन ते कुझु कयूं था। जॾहिं मां हिते पहुतमि, तव्हां बि यू आर ऑल्सो दगर साहब, यू आर ऑल्सो विटनेस ऑफ दैट, त जॾहिं मां हिते पहुतमि त मूंखे ख़बर पई त हितां जा थैलेसीमिया जूं फैमिलीज़ एतिरियूं परेशान हुयूं जो क़ुरान पाक खणी ॿाहिरि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जे साम्हूं वञी वेठियूं हुयूं त असांजे ॿारनि जे लाइ हाणे छा थींदो। त जॾहिं असां उहो क़ुरान पाक जंहिं ते असांजो ट्रस्ट हूंदो आहे, जंहिं ते असां सभिनी खां वधीक बिलीव कंदा आहियूं, उहो खणी अगरि कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जे ॿाहिरां वेहे थो त उहो केतिरो मजबूर हूंदो, केतिरो मजबूर हूंदो उहो पीउ माउ जेको पंहिंजे ॿारनि जे इलाज जे लाइ एॾो उते वञी इलाज मिंथ करे थो। काफ़ी टाइम थी वियो हुन ॻाल्हि खे ऐं मां हुन में थोरो शर्मिंदा बि महसूसु थी कयां त उहो अर्जेंटली हिते थियणु खपे हा, बट कुझु रीज़न्स अहिड़ा हुया जेके डिपार्टमेंट जे तरफ़ां, कुझु रीज़न्स अहिड़ा हुया जंहिंमें मोहम्मदी ब्लड बैंक वारनि जा कुझु रिज़र्वेशन्स हुया, प्लस कोविड वारो फेज़ अची वियो जंहिंमें शयूं काफ़ी पोइ ते थी वियूं हुयूं, बट अलहमदिल्ला जीअं चयो वेंदो आहे की देरि आहे दुरुस्त आहे, त आई थिंक थोरी देरि ज़रूरु थी वई हिन थैलेसीमिया सेंटर खे इस्टेब्लिश करण में, बट आई थिंक हाणे उनजा रिज़ल्ट्स, उनजा बेनिफिट्स, उनजा फ़ाइदा हितां जे थैलेसीमिया जे ॿारनि जे लाइ एतिरा घणा हूंदा जो असां उन गैप खे बि इनशाला विसारे छॾंदासीं। जीअं हसन साहब बि चयो, इट्स नॉट ओनली कि असां ॿारनि खे थैलेसीमिया सेंटर में घुराए ऐं ब्लड लॻायूं, इहो न आहे। थैलेसीमिया जो जेको ॿारड़ो आहे उनजी क्वालिटी ऑफ लाइफ खे बि इम्प्रूव करिणो आहे। उहो कीअं करिणो आहे? जीअं हिकु नॉर्मल इंसान थी असां सभु हिते वेठा आहियूं, हुननि खे बि हिकिड़ी नॉर्मल लाइफ खपे। उन में ब्लड लॻाइण सां उहा असांखे अचीव न थींदी,
उन्हनि जी आयरन किलेशन, उन्हनि जूं जेके ॿियूं मेडिकेशन्स आहिनि उहे, उन्हनि जूं बेसलाइन केतिरे गैप खां पोइ उहे इन्वेस्टिगेशन्स थियणु खपनि, उन्हनि जी फिज़ियोथेरेपीस किथे रिक्वायर्ड आहिनि उहे थियणु खपनि. अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्हनि खे साइकोलॉजिकली कीअं ट्रीट कयो वञे ताकी उहो पाण खे हिकिड़े नॉर्मल इंसान खां अलॻि न सम्झनि. जॾहिं उहो हिन दुनिया में अची विया आहिनि त असां उन्हनि खे हिकिड़ो नॉर्मल इंसान करे प्रेज़ेंट कयूं, जॾहिं त असां स्टेट आहियूं, असां ते उन्हनि सभिनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ऐं असां थैंकफुल आहियूं टू मोहम्मदी ब्लड बैंक, हिननि जे टीम जे सर्वर साहब एंड हिज टीम, के जंहिं हिते एॾो सुठो स्टेट ऑफ आर्ट ब्लड बैंक ऐं थैलेसीमिया सेंटर ठाहियो आहे. इनखे अॻिते वधाइण में तव्हां सभिनी जी बि असांखे ज़रूरत थींदी. उहा कीअं थींदी त हर उन फैमिली ताईं इहो मैसेज पुॼायो त हाणे हीउ हिते एस्टेब्लिश थी वियो आहे, हू हिते अचनि वारनि खे वठी प्लस छो त असां अञा ताईं 300 जी फिगर कोट था कयूं. ईअं न आहे, थैलेसीमिया जा ॿार कुझु वधिया हूंदा त असां उहे बि रजिस्टर्ड कयूं. उन जी इंडिकेशन तव्हां ॿुधाए था सघो कि किथे कंहिं फैमिली में उहो ॿार आहे, या मोहम्मदी वारनि खे बि जेका टीम हिते लोकली हूंदी उन्हनि खे बि मां चवंदमि त प्लीज़ यू नीड टू वर्क ऑन दिस के हम रजिस्ट्रेशन्स को बढ़ाएं. हम एक्सटेंडेड फैमिलीज, आई एम सो सॉरी, मां इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदमि कि थैलेसीमिया जे लाइ काउंसलिंग ज़रूरु थिए थी. जेका मदर आहे ॿारनि जी, उनखे इहो ज़रूरु चयो थो वञे कि नेक्स्ट टाइम तव्हां एक्सपेक्ट कयो पेट सां थियो त ज़रूरु अचिजो पंहिंजो टेस्ट कराइण जे लाइ. बट आई हैव हार्डली सीन के उन्हनि जी एक्सटेंडेड फैमिलीज जे लाइ ॻाल्हि कई वञे. हुननि खे इहो चयो वञे कि भई जेका ॿार जी माउ आहे उन छा पंहिंजे माइटनि खे, पंहिंजे भाउ भेणनि खे चयो आहे त उहे बि इहो टेस्ट कराइनि. इन द सेम वे पीउ जे घर वारो जेको सॼो ख़ानदान आहे, छा उहो इन टेस्ट जे लाइ सॾायो वेंदो आहे. जेसि ताईं असां एक्सटेंडेड फैमिलीज़ खे स्क्रीन न कंदासीं, तेसि ताईं असां हिन खे पूरे सुठे तरीक़े सां कंट्रोल करण जे क़ाबिल न थींदासीं. ॿियो CVS जे लाइ बि अगरि आहे त कंप्लाइंस रेट ज़रूरु ॾिठो वञणु खपे. दिस इज़ अगेन अ मैसेज टू यू मैसा, के इहो बि मां नोट कयो आहे त जेके प्रेग्नेंट हूंदियूं आहिनि कुझु त अगरि पॉज़िटिव अची वियो आहे त एबॉर्ट कराइण लाइ राज़ी थी वेंदियूं आहिनि. कुझु अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके उन खां पोइ थैलेसीमिया सेंटर अचणु बंदि करे छॾंदियूं आहिनि, पंहिंजे मुड़ुस जे थ्रू ॿार ॾे खे मोकिलंदियूं आहिनि, के मासी कंहिं पुफीअ जे थ्रू मोकिलंदियूं आहिनि, पाण न ईंदियूं आहिनि, पाण लिकी वेही रहंदियूं आहिनि जॾहिं उहो ॿारो हिकिड़ो वधीक थैलेसीमिया जो पेशेंट जेको आहे हिन दुनिया में अची वियो हूंदो आहे. त प्लीज़ इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते बि असांखे गॾिजी कमु करिणो आहे. अवेयरनेस जेतिरी वधाए सघूं, इन जी इम्पोर्टेंस जे बारे में जेतिरो घणो असां सभिनी खे ॿुधाए सघूं उहो बहितरु आहे, ताकी सुभाणे असां पाकिस्तान मां थैलेसीमिया खे कंट्रोल करण जे क़ाबिल थियूं, ऐं जेके ऑलरेडी असां वटि ॿार आहिनि उन्हनि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कराए सघूं. थैंक यू सो मच. मैं आपको बताऊं कि एक साल पहले जब डिप्टी कमिश्नर राजोफर कादरी साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये तय हुआ था कि मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर और ब्लड बैंक वालों ने जयपुर वार्ड में अपने अपने प्रपोजल दिए थे. उस कमेटी के एक बड़े एक्टिव मेंबर थे डॉक्टर अब्दुल वाहिद तगड़ साहब, जो आज भी डायरेक्टर जिम्स हैं. सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी प्रेजेंटेशन के बाद जो दी थी वो सर अब्दुल वाहिद तगड़ साहब ने दी थी, और उसके बाद मैं सर से भी वक्ता फवक्ता रابطے में रहा और सर के मशवरों से और सारी चीज़ों से इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने आगे बढ़ाया. अब मैं गुजारिश करूँगा DHO डॉक्टर अब्दुल गफार अली साहब की यहाँ तशरीफ लाएँ. सर की बड़ी खिदमत है मोहम्मदी को यहाँ लाने में और उसकी NOC और दीगर मामला के लिए. सर प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुझे मान वारो मुझे भा मीर एजाज हुसैन लखानी साहब स्टेज पर बैठल मोजी जैकवाबाद जहाँ नोट लगे साफ हजरा मुझे PMA जहाँ डॉक्टर्स PMA जो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक खेतपाल साहब, वाइस प्रेसिडेंट
डॉक्टर अख्तियार मस्तोई साहिबा ऐं पिंडाल में वेठल मुअज़्ज़िन अस्सलाम वालेकुम। सभ खां पहिरें त मां दिलि जे इंतिहाई गहराइनि सां मोहम्मदी ब्लड बैंक वारनि जो थोरैतो आहियां जो उन्हनि असांजे हिन डिस्ट्रिक्ट जेकोबाद जे अंदरि थैलेसीमिया जा जेके बि मरीज़ हुया उन जे नौईयत खे ॾिसंदे छाकाणि त हुसैनी ब्लड बैंक ऐं मोहम्मदी ब्लड बैंक विच में गैप हुयो। उन गैप जेको आहे हितां जे थैलेसीमिया जे मरीज़नि खे थोरो तमामु हितां जे थैलेसीमिया जे मरीज़नि जे अंदरि ॾुखोईंदड़ हिकिड़ो किरदारु हुयो जंहिंमें हितां जा पेशंट जंहिंखे रोज़ानो असां ॾिसी करे असांखे ॾाढो ॾुखु थींदो हुयो। तव्हां यकीन सम्झो त इन सॼे सिनेरियो जे अंदरि असांजो हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर साहिबु मीर एजाज़ ख़ान जकयानी साहिब जो वॾो किरदारु आहे जंहिं जेकोबाद जे अवाम जे जेकोबाद जे थैलेसीमिया जे मरीज़नि खे हिन दर्द खे महसूसु कंदे सेक्रेटरी हेल्थ सां ऐं मिनिस्टर हेल्थ सां जेका मीटिंगूं थियूं उन में हुन तमामु हिकिड़ो अहम किरदारु अदा कयो जो अॼु असां पंहिंजे उन ई जंहिं दौर में हुसैनी ब्लड बैंक वारा छॾे विया ऐं अॼु हिन जो इफ़्तिताह थिए पियो। मां सम्झां थो त जेकोबाद जे अवाम जे लाइ अॼु हिकिड़ो बहितरीन ॾींहुं आहे। स्टेट ऑफ आर्ट जेका तव्हांजे असांजे ज़िले में क़ाइमु थी रहियो आहे जंहिं मां हू मुस्तफ़ीद थींदा ऐं असांजे हेल्थ डिपार्टमेंट तर्फ़ां जेको बि तआवुन हूंदो उहो ज़रूरु मुहैया कया वेंदा ऐं असां पंहिंजा एफर्ट्स थैलेसीमिया जे मर्ज़ खे ख़तमु करण जे लाइ जेके बि हूंदा उहे भरोकार वाईंदासीं ऐं इनशाला जेकोबाद जे अवाम हिन ब्लड बैंक खां मुस्तफ़ी थींदो। छाकाणि त वक़्तु तमामु घटि आहे, असांजे महिमान ख़ासि खे वञिणो बि आहे। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। इनशाला साथ सलामत। थैंक यू वेरी मच। हमारी सकाफत, हमारी सिंध धरती की शान, हमारी सिंध धरती की आन अजरक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं मोहम्मदी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सरवर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ से मौजूद मेहमानों को अजरक पेश करें। थैंक यू। ये
सर एक सेकंड ऐसे वेट करेंगे सर। तकड़ा साहब प्लीज आप दर्शन भाई मतलब कोई तो भी हूँ सफर एक अब मैं गुजारिश करूँगा आज के सदर महफिल हमारे चीफ गेस्ट मीर एजाज हुसैन जाकरानी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मोहम्मदी ब्लड बैंक और थैलेसीमिया के हवाले से सर को काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और तकरीबन मेरी चार मुलाकातें सर से रही हैं उनके घर पे उनकी मेहरबानी इन्होंने में टाइम दिया सर प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिस्टर मेहंदी रिजवी साहब मिस्टर सरवर अली प्रेसिडेंट मोहम्मदी फाउंडेशन प्रोफेसर हसन अब्बास सही साहब डॉक्टर महीसा सजीद साहब मिस्टर सिकंदर अजीज साहब डॉक्टर अब्दुल गफार बिन साहब मिस्टर अब्दुल बेनी शेख साहब डॉक्टर अब्दुल बहार कादर साहब और ये नाम तो मैं भूल नहीं सकता डॉक्टर गुरेनाज जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ स्टेज पे बैठे हैं और उन दोस्तों का जो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। ये सबकी कंट्रीब्यूशन है। जैसे डॉक्टर गुरेज जमाल साहब ने कहा कि उसको किसी की माँ का फोन आया था किसी बच्चे की माँ का फोन आया था तो आपने तो वो एक प्रेशर से आप यहाँ आ गए। मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इन लोगों का प्रेशर था मेरे पे प्रेशर था अपने शहर के लोगों का मुझे मेरे पे प्रेशर था मीडिया का प्रेशर था मेरे पे अपने सिविल सोसाइटी के लोगों का प्रेशर था। यहाँ काफ़ी ऐसे चेहरे बैठे हैं जो मुझे मैसेजेस करते थे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते थे और मुझे बताते थे कि इन वालदेन की क्या तकलीफ है जो यहाँ काम करते हैं वो बताते थे कि इनकी क्या तकलीफ है। मैं खुद देखता था उनकी तकलीफ को जब ये सेंटर बंद हुआ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हो गई थी बिटवीन हुसैन बैंक और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के फंड्स के इशू पैसे नहीं थे फिर कोविड का मामला आ गया तो मैं बहुत कंसर्न था और फाइनली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मदी वालों का कि वो किसी के ज़रिए मेरे से रबते में आए और उन्होंने कहा कि वो यहाँ मिलेंगे काम करने के लिए। जब उनकी विलिंगनेस देखी तो मैं गया हेल्थ डिपार्टमेंट के पास फिर उनकी जो हालत थी वो अनविलिंग थे उस वक्त फिर उनको मैंने प्रस्तुत किया उनको कन्विंस किया मेरी दो तीन मीटिंगें हुई मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट से मामूली डिपार्टमेंट वालों से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहते देर आज दुरुस्त आज फाइनली आज यहाँ इनॉग्रेशन हो रही है इसकी इंशाल्लाह यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के जो वालदेन हैं जिनके बच्चों को थैलेसीमिया है उनका ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा क्योंकि औलाद कैसी भी हो औलाद सेहतमंद हो औलाद सबको सेहतमंद औलाद है लेकिन अगर औलाद बीमार है माँ बाप के लिए औलाद इतना ही प्यारा है जो सेहतमंद है वो भी इतना ही प्यारा है जो बीमार है वो भी इतना ही प्यारा है ये एक कुदरत का निज़ाम है।
उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जिन माओं के, जिन वालदों के जो गुजर रही थी उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कम से कम इस तकलीफ से तो ख़त्म हो जाएंगे कि उनको बच्चों को ब्लड नहीं लग रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा प्रायोरिटी रही है, हमारे चेयरमैन साहब की प्रायोरिटी रही है कि हेल्थ केयर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। मैं दावा से कहता हूँ, आप लोग विटनेस हैं, मुझे बता दें NICVD जैसा सर्विस पूरे पाकिस्तान में कहीं बता दें, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि आप एक रुपया जेब में ना लाएं और आपका मुकम्मल इलाज होके वो मरीज ठीक होकर चला जाता है। बेशक वो पंजाब का मरीज हो, बलोचिस्तान का मरीज हो, खैबर पख्तूनख्वा का मरीज़ हो, गिलगित बल्तिस्तान का मरीज़ हो, आज़ाद कश्मीर का मरीज़ हो, कहीं का भी हो, ये नहीं पूछा जाता कि भाई आप कहाँ से आए। तो ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है और सिंध गवर्नमेंट को इसलिए जाता है कि सिंध गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये प्रायोरिटी रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई, उन्होंने हेल्थ केयर पर बहुत तवज्जो किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, मुझे कोई प्रोग्राम ऐसा बता दें NHW का प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया था, लेडीज हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम जो पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ था, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने शुरू किया था। जब पीपल्स पार्टी आती है, कानून साजी हेल्थ के हवाले से होती है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। मैं खुद उस असम्बली का हिस्सा था जिसमें ये बिल आया था और थैलेसीमिया का बिल पास हुआ था। आपको याद होगा यहाँ क्या होता था कि गुंडे बेच दिए जाते थे, गरीब लोग पैसों के खातिर अपना गुर्दा बेचते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था जब उन्होंने ऑर्गन्स बिल उस वक्त लाए, होता का बिल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसप्लांट जो थी उसके लिए जो बिल ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, हसन जहीर साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने काम किया है, वो खूब ही जानते हैं कि हेल्थ पे कितनी प्रायोरिटी दी जाती थी उस वक्त। ये जितने भी वर्टिकल्स प्रोग्राम्स थे उस वक्त, इनको सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती थी और बिल्कुल उसमें WHO और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करते थे। आज मुझे यह खुशी हो रही है कि जेकाबाद में स्टेट ऑफ आर्ट का जो बनाया है यहाँ मोहम्मदी फाउंडेशन वालों ने, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला मैं ये भी आप लोगों की वसाकत से कहना चाहता हूँ, देखें कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। ये क्यों होता है, थैलेसीमिया क्यों होता है? डॉक्टर सरवर साहब ने आपको बताया कि अगर माँ भी माइनर हो तो बाप भी माइनर हो तो उनका बच्चा मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट पैदा होता है। तो ये अवेयरनेस हमें करनी चाहिए, ये अवेयरनेस हमें देनी चाहिए। मैं अपने मीडिया के दोस्तों को भी कहूँगा, सिविल सोसाइटी के लोगों को कहूँगा, पॉलिटिशियंस को कहूँगा, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको कहूँगा, क्योंकि लोग आप लोगों की तरफ देखते हैं, जो मशहूर स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वूमेन है, उनको भी कहूँगा, डॉक्टर हजरात तो बहुत ज़रूरी हैं, सबको कहूँगा कि ये लोग आपकी तरफ देखते हैं। हमारी तरफ से अब ये टाइम आ गया है कि थैलेसीमिया को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब ईरान ख़त्म कर सकता है, जब ग्रीस ख़त्म कर सकता है, जहाँ बहुत बड़ा मसला होता था थैलेसीमिया का, वो मेजर कंट्रीज थी जहाँ पे थैलेसीमिया बहुत बड़ा मसला था, लेकिन उन्होंने अवेयरनेस से, उन्होंने मेहनत से सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके ख़त्म कर दिया। तो हम क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हैं?
हम पोलियो को क्यों नहीं ख़त्म कर सकते जब पोलियो सिर्फ अब दो तीन ममालिक में रह गया और पूरी दुनिया से हट गया, तो हमें इन चीज़ों पर तवज्जा देनी चाहिए। हमें आगे आके हेल्थ की चीज़ों पर सब मिल के काम करें और इनकी अवेयरनेस करें। जैसे इस तरह की शादियाँ ना हों, जो लॉ पास हुआ है, कानून बहुत अच्छा पास हुआ है, उसमें सारी चीज़ें वाजह हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए थैलेसीमिया के बारे में। तो इट्स टाइम फॉर अस टू इम्प्लीमेंट। हाँ, हम बैठे हुए हैं यहाँ गवर्नमेंट में, हम कोशिश करें फेडरल गवर्नमेंट में जो होते हैं, ये सबकी कोशिशों से ये होगा। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है कि कहेंगे उसका मसला है। तो हम सब मिल के कोशिश करें कि हम थैलेसीमिया से जल्दी छुटकारा पाए और जो भी उसकी प्रिवेंशन है उसको अपनाए। मैं एक बार फिर मोहम्मदी फाउंडेशन का और अपने मेहमान जो आए हैं बाहर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन टीम ने मोहम्मदी के जिन लोगों ने पर्दे के आगे काम किया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो बेचारे क्रेडिट नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी वजह से हम लोग स्टेज पर आके बैठ जाते हैं। जो पीछे वाले काम करते हैं उनको कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं होता। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पर्दे से पीछे बैठ के काम किया और आज यहाँ हम अगर खड़े, उन लोगों की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आप ही लोग मैटर करते हैं यहाँ पे, आप ये पैगाम सब तक पहुँचाएं। अगर मैंने कोई मेहनत करके ये काम अंजाम देने को आया है और किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात मैंने नहीं की, ये मेरे फर्ज में शामिल है। आप मेरी तरफ देखते हैं, आप मुझे अपना नुमाइंदा मानते हैं, मुझे वोट देते हैं, इसके अलावा उसको भी छोड़ दें, ये तो इंसानियत की बात है। वो बच्चे जिनको ब्लड की ज़रूरत थी और जिस तरीके से वो तड़प रहे थे और उनको इतने अरसे में ये जो मसाइल सामने आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक हो गए इंशाल्लाह। जैसे डॉक्टर जमाल साहब ने कहा कि उनको रजिस्ट्रेशन की और भी ज़रूरत है, हम देखें कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या हम सिर्फ 1300 पेशेंट जो कहते हैं वो ही है, लेकिन मज़ीद अगर कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो उस पर भी हम सब जाते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। जी हम तो हेल्थ एप्रिसिएशन अवार्ड्स के लिए ऑनरेबल चीफ गेस्ट इजाज जाफरानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आए अपने आप इस हेल्थ एप्रिसिएशन अवार्ड। प्रोफेसर हसन अब्बास साहब डॉक्टर दुरे नवाज जमाल साहब डीएचओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर वफाक साहब से प्लीज सर। सिकंदर अजीज कार्ड साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर, सिकंदर अजीज साहब कार्ड साहब की फैमिली ने ब्लड बैंक के लिए सारी इक्विपमेंट डोनेट की। हमारे डिप्टी कमिश्नर नहीं ला सके, उनकी शील्ड को रिसीव करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। नहीं, उनके डिपार्टमेंट से कोई है? नहीं। अभी हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट मीर इजाज़ हुसैन जाकरानी साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की
ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करना सब करना, फ्रंट पे लोग नज़र आ जाते हैं लेकिन उसके बैंड होते हैं उनका अमूमन नाम नहीं आता, लेकिन मोहम्मदी ब्लड बैंक और उनका बड़ा अहम रोल है। तो सजाद निके मोकल बात पटे रे के वा किस्मत वाला।